दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मुस्लिम देशों में गृह युद्ध चल रहा है। सीरिया हो, इराक हो, चाहे फिर लेबनान, सभी मुस्लिम देश हैं, इनका धर्म एक है। तो आखिर क्या वजह है जो इन मुस्लिम देशों में आपस में ही लोग लड़ने लगते हैं? दरअसल इस युद्ध की असली वजह है शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम, जो एक दूसरे को जाने दुश्मन समझते हैं। बात इसलिए जरूरी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में शिया के समूल नाश के लिए फरमान जारी किए जा रहे हैं। सुन्नी मुसलमान उनको मुसलमान ही नहीं मानते हैं, लिहाजा ये जानना जरूरी है कि इनके बीच की ये जानी वाली दुश्मनी आखिर कहां से शुरू हुई। तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल शिया और सुन्नी विवाद इस्लामी इतिहास का सबसे पुराना विवाद है। एक ही धर्म, विचार और रीति रिवाज होने के बावजूद इन दोनों धड़ों के बीच एक बड़ी खाई है। इस खाई की असली वजह जानने के लिए अतीत में झांकने की जरूरत है। इस विवाद की शुरुआत 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद हुई। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए बिना दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसलिए सवाल खड़ा हुआ कि तेजी से फैलते धर्म का नेतृत्व कौन करेगा। इसके बाद 4 खलीफा मनोनीत किए गए, जो अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली थे। मुसलमानों के एक वर्ग का कहना है कि मोहम्मद साहब ने अपने दामाद हजरत अली को अपना वारिस बनाया था। वहीं दूसरे वर्ग का कहना है कि उन्होंने सिर्फ हजरत अली को ध्यान रखने को कहा था, उन्होंने अपना असली वारिस अबू बकर को बनाया था। इसी मान्यता के साथ मुसलमान 2 हिस्सों में बट गए। मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली को मानने वाले शिया कहलाए और अबू बकर को मानने वाले सुन्नी। इसके बाद दोनों वर्गों के बीच अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई। शिया मुसलमानों का दावा है कि खुदा ने अली को खुद उत्तराधिकारी चुना था। मोहम्मद साहब ने अपने इंतकाल से पहले इसे लिखित रूप में घोषित किया था। सुन्नियों ने कुरान से छेड़छाड़ कर इस फैसले को बाहर निकाल दिया और इसे आज तक सही नहीं किया गया है। बस यही लड़ाई आज भी जारी है। सुन्नी मुसलमान खुद को इस्लाम की सबसे धर्मनिष्ठ और पारंपरिक शाखा से मानते हैं। सुन्नी शब्द अहल अल सुन्ना से बना है, जिसका मतलब है परंपरा को मानने वाले लोग। इस मामले में परंपरा का संदर्भ ऐसे रिवाजों से है जो पैगंबर मोहम्मद और उनके करीबियों के व्यवहार पर आधारित हो। सुन्नी उन सभी पैगंबरों को मानते हैं जिनका जिक्र कुरान में किया गया है, लेकिन अंतिम पैगंबर मोहम्मद ही थे। इनके बाद हुए सभी मुस्लिम नेताओं को सांसारिक शख्सियत के रूप में देखा जाता है। शुरुआती इस्लामी इतिहास में शिया एक राजनीतिक समूह के रूप में थे। शियाओं का दावा है कि मुसलमानों का नेतृत्व करने का अधिकार अली और उनके वंशजों का ही है। अली पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे। मुसलमानों का नेता या खलीफा कौन होगा, इसे लेकर हुए एक संघर्ष में अली मारे गए थे। उनके बेटे हुसैन और हसन ने भी खलीफा होने के लिए संघर्ष किया था। यानी ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है और आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। ईरान, इराक, बहरीन, अजरबैजान और कुछ आंकड़ों के अनुसार यमन में शियाओं का बहुमत है। इसके अलावा अफगानिस्तान, भारत, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, कतर, सीरिया, तुर्की, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। जबकि सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से में सुन्नी मुसलमान रहते हैं। दुनिया में अब 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान है। इनमें 85 से 90% संख्या सुन्नी है, जबकि 10% शिया है। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया भर में 1.25 अरब से ज्यादा सुन्नी है। वहीं शियाओं की तादाद 15 से 20 करोड़ मानी जाती है। ईरान 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद एक अहम शिया ताकत के तौर पर उभरा, जिसे सुन्नी सरकारें और खासकर खाड़ी देशों की सरकारें अपने लिए चुनौती समझती थी। मध्य पूर्व में ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाता है। मध्य पूर्व के देशों के बीच अक्सर शिया सुन्नी विवाद सियासत की धुरी रहता है। ईरान जहां शिया विद्रोहियों और शासकों का समर्थन करता है, तो वहीं सऊदी अरब सुन्नी धड़े के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। ईरान और यमन के संकट इसकी एक मिसाल है। ईरान के साथ जब पश्चिमी देशों ने परमाणु समझौते पर डील की, तो सऊदी अरब उसका बड़ा आलोचक था। ईरान और सऊदी अरब आए दिन एक दूसरे पर बयान दागते रहते हैं। कूटनीतिक तनाव के बीच सऊदी अरब ने 2016 में ईरानी लोगों को अपने यहाँ हज पर नहीं आने दिया था। लेबनान में गृह युद्ध के दौरान शियाओं ने हिजबुल्ला की सैन्य कार्रवाइयों के कारण राजनीतिक रूप में मजबूती हासिल कर ली थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान जैसे कट्टरपंथी सुन्नी संगठन अक्सर शियाओं के धार्मिक स्थानों को निशाना बनाते रहे हैं। कहा जाता है कि जिन देशों में सुन्नियों की सरकारें हैं, वहां शियाओं की आबादी गरीब है। अक्सर वे खुद को भेदभाव और दमन के शिकार मानते हैं। कुछ चरमपंथी सुन्नी सिद्धांतों ने शियाओं के खिलाफ
घृणा को बढ़ावा दिया था। साल 1979 की ईरानी क्रांति से उग्र शिया इस्लामी एजेंडे की शुरुआत हुई थी। वैसे दुनिया में शिया और सुन्नी के बीच कहीं भी संघर्ष हो, उसकी आंच अक्सर लखनऊ तक पहुंची जाती है। यही नहीं, तहजीब के इस शहर में ये दोनों समुदाय अक्सर अन्य मसलों पर भी झगड़ते रहते हैं। लेकिन लखनऊ ऐसा शहर है जहां भारत में सबसे अधिक शिया मुसलमान रहते हैं। शिया लोगों की ज्यादा तादाद को भी कई बार इस फसाद की वजह माना जाता है, क्योंकि अन्य जगहों पर संख्या में कम होने के कारण वो संघर्ष नहीं मोल लेते। लखनऊ में तो स्थिति कभी पथराव और फायरिंग तक पहुंच जाती है। हालांकि सालों से प्रशासन की सख्ती की वजह से नौबत नहीं आई है। हालांकि शिया सुन्नी का विवाद मजहबी है, बावजूद इसके कि दोनों पंथ कुरान और शरीयत में विश्वास रखते हैं, दोनों के बीच ये लड़ाई पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद से चली आ रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी।